हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ ग्रूमिंग। इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट ग्रूमिंग। हमने ग्रूमिंग के बारे में डिस्कस किया था कि ग्रूमिंग क्या होती है, और हमने उसके दो टाइप्स भी कर लिए थे, सच एज बॉडी लैंग्वेज को हमने डिस्कस किया था और पर्सनल हाइजीन को हमने डिस्कस किया था। सो ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? ग्रूमिंग का मतलब होता है ब्रशिंग योर स्किल्स, योर टैलेंट, कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, एबिलिटीज है, उन्हें ब्रश करना, उन्हें और निखारना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रूमिंग। और अगर हम पर्सनैलिटी में लेके चले तो कितने आप हाइजेनिक हो, कितने अच्छे से आप अपने आप को मेंटेन करते हो, यानी कि क्लीनलीनेस एंड मेंटेन ऑफ यूअर सेल्फ, कि एक पर्सन अपने आप को कैसे मेंटेन करके चलता है, कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कितना क्लीन है, कितना हाइजीनिक है, वो क्या होती है? उसकी ग्रूमिंग। अब जितनी अच्छी आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होगी, यानी कि आप बहुत साफ सुथरे रहते हो, अच्छे से वेल मैनर्ड रहते हो, तो उतनी ही ज्यादा इंपैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। जितना ज्यादा अच्छा आपका ग्रूमिंग होगा, उतना ही लोगों का जो जजमेंट है टुवार्ड्स योर पर्सनैलिटी बेटर होगा। सो और हर कोई चाहता है कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो, उनकी पर्सनैलिटी सबको अच्छी लगे। और पर्सनैलिटी को अगर आप चाहते हो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो या फिर आपकी अपीयरेंस अच्छी हो, तो आपको ग्रूमिंग पे फोकस करना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है ग्रूमिंग का, या फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट है ग्रूमिंग का, वो क्या है? एटिक्वेट्स। हमने बॉडी लैंग्वेज डिस्कस कर लिया था कि जितना ज़्यादा अच्छी हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी, उतनी ही अच्छी हमारी पर्सनैलिटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना ज़्यादा अच्छी हमारी पर्सनल हाइजीन होगी, यानी कि हम अपने नेल्स को, फीट्स को, हैंड हेयर्स जितना साफ रखेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे एटिक्वेट्स, कि एटिक्वेट्स ग्रूमिंग का एक पार्ट है जिसका पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि जितने अच्छे हमारे एटिक्वेट्स होंगे, जितने ज़्यादा हमारे अंदर अच्छे एटिक्वेट्स होंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी अच्छी पर्सनैलिटी होगी। अब एटिक्वेट्स होते क्या हैं? इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ऑल सक्सेसफुल बिजनेस रिलेशनशिप रिलाय सिग्निफिकेंटली ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। कि एटिक्वेट्स क्या है? हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और स्पेशली अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जो भी आप डीलिंग करते हो, जब भी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करता है, डील करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है, तो सारी चीजें उनके प्रोडक्ट के साथ साथ किस चीज पे डिपेंड होती हैं? आपके कॉन्टैक्ट से, पर्सनल कॉन्टैक्ट से, म्यूचुअल रिलेशनशिप से। कि जब आपके दो डीलर साथ में बैठ के प्रेजेंटेशन देते हैं, बातें करते हैं, तो वो कैसा उनका रिलेशन रहा, कैसे उनका कॉन्टैक्ट रहा, उस चीज पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने चाहते हो, तो आपकी नॉलेज के साथ साथ बाकी चीजें जो मैटर करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटिक्वेट्स। कि आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप कितने पोलाइट हो, कितने चार्मिंग हो, ये सब किसके अंदर आ जाता है? हमारे एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स सच एज कि हमारे मैनर्स कितने अच्छे हैं। इट इज सोशल स्किल ऑफ अ पर्सन सच एज कर्टसी, पोलाइटनेस, कि हम कितने पोलाइट हैं, कितने कर्टियस हैं। कि जैसे किसी को थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो बिल्कुल थैंक यू नहीं बोलते, गलती करने के बाद भी सॉरी नहीं बोलते। सो ये सब क्या है? ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, अनफेवरेबल इम्पैक्ट डालते हैं। सो हमारे जितने ज़्यादा बेटर और अच्छे एटिक्वेट्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी पे, उतना ही ज़्यादा वो फेवरेबल इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे हमने जॉब का एग्जाम्पल लिया था कि जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हो, अगर आप पोलाइट हो, अगर आप करतीस हो, तो आपकी जो इंटरव्यूअर है उसके अकॉर्डिंग, उसके टुवार्ड्स उसकी क्या होगी? कि आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगेगी, और उसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। सो हमारे जो मेन एटिक्वेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रेजेंटिंग यूर सेल्फ, गुड मैनर्स, केयरिंग्स टू अदर्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, बींग कम्फर्टेबल अराउंड अदर एंड मेकिंग देम कम्फर्टेबल अराउंड यू, एंड नो जेंडर इशू। यानी कि अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपके अंदर गुड मैनर्स होने चाहिए, आपको दूसरों की केयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल केयरलेस शो कर रहे हो, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद को दूसरों के साथ कम्फर्टेबल करना चाहिए, एज वेल एज जो बाकी लोग हैं उनको भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं कराना चाहिए, उन्हें भी आपके साथ कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, और कोई जेंडर इश्यू, डिस्क्रिमिनेशन टाइप की थिंकिंग नहीं होनी चाहिए आपकी। तो फर्स्ट क्या था हमारा? ड्रेस अप्रोप्रिएटली, यानी कि प्रेजेंट यूर सेल्फ। प्रेजेंट यूर सेल्फ में क्या आता है कि जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो ट्रूली प्रेजेंट करो, अपना जेन्युइन साइड सबको दिखाओ, और उसमें
इसके साथ साथ अपने आप को जब आप प्रेजेंट करते हो तो आपकी अपीयरेंस भी मैटर करती है कि आपने कैसे ड्रेस कर रखा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है. सो ड्रेस अप्रोप्रिएटली, कि जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो, जो भी आप आउटफिट यूज़ कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए. अच्छी का मतलब ये नहीं है कि वो महंगी हो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सस्ती जो होती है वो आउटफिट अच्छी नहीं होती. इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे फिट होनी चाहिए और आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए. मेक श्योर योर क्लोथिंग इज क्लीन. इतना देख लो कि जो भी आप कपड़े पहन रहे हो वो क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि उस पर कोई स्पॉट्स हैं या फिर वो कहीं से फटे हुए हैं, तो वो कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए. वियर क्लोथिंग दैट फिट योर फिगर. कि हमने अभी हमने बोला कि ऐसा नहीं है कि जो सस्ते होते हैं वो कपड़े अच्छे नहीं होते, या फिर जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते हैं वही अच्छे होते हैं. सिर्फ कपड़े वो पहनो जो आपके फिगर पे फिट आए, इस तभी वो आपके लिए क्या होंगे, अप्रोप्रिएट होंगे. कीप योर ब्रीथ फ्रेश. कि ऐसा लगना चाहिए कि यू नो आप ऐसा ना कि आपकी जो आपने पहनना है उसी से लेजीनेस शो हो रही है. जैसे कई कपड़े भी ऐसे होते हैं जिससे ऐसे लगने लग जाता है कि भाई बोरिंग सा ये सब. तो आपके जो भी आपने कपड़े पहने हैं वो आपको ये दिखाएं कि हाँ फ्रेश फील कर रहे हो, और एनवायरमेंट भी फ्रेशनेस वाला क्रिएट कर दें. वियर शूज दैट आर वेल मेंटेन्ड. कि जो भी आप शूज पहन रहे हो वो अच्छे से, अगर आपने लेसेस वाले पहने हैं तो उन्हें अच्छे से आपने बांध रखा हो, क्लीन होने चाहिए आपके शूज, तो शूज भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए. स्मेल फ्रेश, यूज अ परफ्यूम. कि जब भी आप कहीं जाते हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, प्रेजेंटेशन के लिए हो, तो आपको कोई ना कोई ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्रेग्रेंस के लिए परफ्यूम का यूज आपको करना चाहिए जो फ्रेश स्मेल कराए. फर्स्ट इम्प्रेशन. अब फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है और ये भी एक एटिक्वेट ही है. मीन्स अगर आपको पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, डिटरमाइन ऑडियंस. कि आप ये देखोगे कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस देखोगे, और फिर उस हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव करोगे. क्योंकि जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो अगर आप ये पहले से स्टडी कर लेते हो कि आपकी ऑडियंस कैसी है, उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, उस बेस पे जब आप उनके सामने कुछ बोलते हो, अगर आपको पहले से ये पता हो कि आपकी ऑडियंस क्या सुनना पसंद करेगी, क्या जानना पसंद करेगी, तो ऑब्वियसली उन पे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होगा. तो आपके अंदर फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने की, अच्छा फेवरेबल फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने की स्किल्स होनी चाहिए. वो भी किसके अंदर आता है, हमारे एटिक्वेट्स के अंदर आता है. देन हमारा नेक्स्ट एटिक्वेट क्या होगा, हैंड शेक एंड ग्रीटिंग. कि जब भी आप किसी से मिलते हो तो उसको ग्रीट करो, सच एज गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सब क्या है, आपको ग्रीट करना चाहिए, हैंड शेक करने चाहिए. यू एक्सटेंड अ हैंड शेक व्हेन. आपको हैंड शेक कब करना चाहिए, समवन ऑफर हिज और हर हैंड टू यू. किसी ने सामने से हैंडशेक किया तो ऑब्वियसली आप उसे इग्नोर नहीं करोगे, आप हैंडशेक करोगे. फर्स्ट मीटिंग टू समवन, किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो आप, तो ऑब्वियसली आपको हैंडशेक करने चाहिए, जो एक क्या है, हमारा जेस्टर्स दिखाते हैं, एक अच्छा जेस्टर शो करते हैं. ग्रीटिंग गेस्ट, गेस्ट को ग्रीट करना चाहिए, जो भी आपके गेस्ट हैं उनको ग्रीट करना चाहिए. ग्रीटिंग योर होस्ट, जो भी होस्ट वगैरह होते हैं, जो भी आपकी होस्टेस हैं उनको ग्रीट करना चाहिए, और जो भी आपसे एज में बड़े हैं उन्हें ग्रीट करना चाहिए, जो आपसे एज में छोटे हैं उन्हें भी ग्रीट करना चाहिए. सेइंग गुड बाय, कि जब अगर आप आते हुए ग्रीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली जाते टाइम जब फिनिश हो जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन एंड हो रही है, तो आपको गुड बाय के साथ ख़त्म करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप एकदम बिना बताए निकल गए. शोइंग रिस्पेक्ट. नेक्स्ट हमारे क्या है एटिक्वेट, शोइंग रिस्पेक्ट. कि हमारे अब कौन कौन से एटिक्वेट हो गए, एक तो हमारी ड्रेसिंग सेंस. अगर हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो ऑब्वियसली वो फेवरेबल इम्पैक्ट डालेगी. तो एक तो हमारी ड्रेसिंग सेंस है एटिक्वेट, एक है हमारा हैंड शेक एंड ग्रीटिंग्स, हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, और नेक्स्ट इज शोइंग रिस्पेक्ट. कि आपको पता होना चाहिए कि दूसरों के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट कैसे शो करते हैं. ऑलवेज यूज टाइटल्स विद कस्टमर्स अनलेस दे आर अबाउट योर एज एंड रैंक. कि जब तक वो आपकी ही एज के हैं या फिर आपकी ही रैंक के हैं, मीन्स आपके फ्रेंड्स हैं, तो ठीक है. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो आप हमेशा जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आपके डीलर्स हैं, उनको टाइटल्स के साथ, सच एज मिस्टर, मैडम, ऐसे करके आप यूज करें. डोंट कीप कस्टमर वेटिंग. कि कस्टमर को ज्यादा वेट ना कराएं. ऐसा नहीं है कि बहुत डिले किए जा रहे हो और वो बेचारे वेट किए जा रहे हैं. एस्कॉर्ट्स क्लाइंट आउट व्हेन समवन ऑफ हायर रैंक और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंटर्स, एवरीवन इन द ऑफिस स्टैंड. कि जो भी आपके ऑफिस में कभी कोई बाहर से आता है तो आप
आपको उनके लिए खड़ा होना चाहिए जो आपसे ज्यादा हायर रैंक के हैं. सच एज जब आप स्कूल में होते हो तो टीचर आते हैं तो आप सब खड़े हो जाते हो. सो ये सब क्या है, ऐसा ही आपको ऑफिस में करना चाहिए. जब भी कोई हायर रैंक का आए तो आपको खड़े होना चाहिए. जूनियर एम्प्लॉयज स्टैंड अंटिल सीनियर सिट, कि जैसे जब तक सीनियर जो एम्प्लॉयज हैं या फिर हमारे सुपीरियर बैठ नहीं जाते तब तक जूनियर को क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, उनके सामने बैठना नहीं चाहिए. ड्यूरिंग कॉल्स, कि अगर आप कॉल्स पे हो तो आपको कौन कौन सी चीजें फोकस करनी चाहिए. प्लेसिंग कॉल्स, लेट पीपल नो राइट अवे हु इज कॉलिंग, कि जब भी आप कॉल करते हो किसी को तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो. जैसे ये नहीं पता कि किसने कॉल किया है, सच एज आप किसी कंपनी से कॉल कर रहे हो फॉर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी कंपनी को या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए. ट्राई टू कॉल व्हेन यू नो इट्स कन्वीनियंट, कि ऐसे टाइम पे आपको ये लगे कि हाँ ये टाइम सही है उसी टाइम पे कॉल करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप लेट नाइट कॉल कर रहे हो या फिर अर्ली मॉर्निंग कॉल कर रहे हो. इफ यू गेट अनदर कॉल द फर्स्ट कॉलर हैज प्रायोरिटी, कि जब आपको बीच में ही कोई और कॉल आ जाता है तो हमेशा फर्स्ट कॉलर को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले को तो वेटिंग में डाल देते हो और दूसरे से बात करने लग जाओ. ये भी क्या होते हैं, हमारे एटिक्वेट्स होते हैं ड्यूरिंग कॉल्स. अब हमने एटिक्वेट्स कर लिए, तो एटिक्वेट्स क्या होते हैं, कि अगर हमारे अंदर ये सारे एटिक्वेट्स हैं तो हमारी पर्सनालिटी पे वो फेवरेबल इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी को और ज़्यादा एक तरीके से नरिश कर देते हैं, ज़्यादा ब्रश कर देते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में ये चीज़ें जुड़ जाती हैं जो सामने वाले सबको पसंद आती हैं और आपकी पर्सनालिटी के टुवार्ड्स क्या होगा, फेवरेबल इम्पैक्ट होगा. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्रेसिंग सेंस, कि आपके ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपकी आपने क्या पहन रखा है. यूअर ड्रेसिंग सेंस एक्सप्लोर द इमोशंस ऑफ यूअर्स, इट एक्सप्लोर द इमोशन विच आर रिफ्लेक्टेड बाय यूअर ड्रेसिंग, व्हाट यू वियर एंड हाउ मच इम्पोर्टेंस यू आर गिविंग टू यूअर सेल्फ, कि जो आपकी ड्रेसिंग है वो आपके इमोशंस को शो करती है दूसरों को. आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपने क्या पहन रखा है, वो सामने वाले को दिखाता है कि आप खुद को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो. आप अपनी ड्रेसिंग सेंस से बहुत सी चीज़ें शो कर सकते हो, क्योंकि हमने ये अपनी सिंबल ऑफ सेल्फ में भी किया था जो हमारी प्रीवियस वीडियो में है, कि हम अपनी ड्रेसिंग सेंस से क्या क्या शो कर सकते हैं. हम फ्रीडम शो कर सकते हैं, कि हम कितने, हमारी ड्रेसिंग सेंस से हम अट्रैक्शन गेन कर सकते हैं, फ्रीडम शो कर सकते हैं, हमारी सुपीरियरिटी, सक्सेस, मनी, ये सब चीज़ें किससे शो की जाती है, हम अपनी ड्रेसिंग सेंस से शो कर सकते हैं. सो ड्रेसिंग सेंस क्या है, हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो हमारी अपीयरेंस के अंदर आ जाता है. सो हमारी ड्रेसिंग सेंस जितनी अच्छी होगी, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप इनफॉर्मल क्लोथ्स में जा रहे हो. सो जो भी आपकी ड्रेसिंग सेंस है वो आपकी एक पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालती है. जितनी अच्छी आपकी ड्रेसिंग सेंस होगी उतनी ही अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी. सो मेनली क्या है, ग्रूमिंग में जो हमारे 5 कंपोनेंट्स आते हैं, जितने अच्छे आपके वो कंपोनेंट होंगे, ग्रूमिंग क्या करती है, उन्हें और ब्रश कर देती है और नरिश करती है, कि हमारे वो 5 कंपोनेंट और निखर के आए जो हमारी पर्सनालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. इफेक्ट ऑफ ड्रेसिंग सेंस, अब ड्रेसिंग सेंस कैसी हो सकती है, वेल ड्रेस्ड एंड पुअर ड्रेस्ड. अगर हम वेल ड्रेस्ड हैं तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, यू विल गेट फील कॉन्फिडेंट, कि अगर आपने अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, आपने सही अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं और आपको भी ये दिख रहा है कि हाँ भैया आप वेल ड्रेस्ड हो, दूसरों से कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे हैं, सो आपको क्या कॉन्फिडेंट फील होगा, आप ऐसे शाय फील नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि भाई हाँ मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ या फिर अच्छे लग रहे हैं. देन मोर सोशल, कि जब आपको ये पता होता है कि आप अच्छे दिख रहे हो, आप वेल ड्रेस्ड हो, तो आप ज्यादा सोशल होते हो, ज्यादा फ्रेंडली होते हो, यानी कि दूसरों के साथ बातें करते हो. ऐसा नहीं है कि कहीं कोने में जाके छुप के बैठ जाते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आज आपने सही से सही वेल ड्रेस्ड हो. देन कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल फील करोगे, कपड़े वही आपकी ड्रेसिंग सेंस तभी वेल ड्रेस्ड होगी जब आप उसमें कंफर्टेबल होगे. अगर आपको इरिटेबल फील हो रहा है या फिर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आप उसमें अनकंफर्टेबल हो, तो वो आप वेल ड्रेस्ड नहीं हो. इफेक्ट ऑफ बींग पुअर ड्रेस्ड, अगर आप पुअरली ड्रेस्ड हो तो उससे क्या होगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे. ऑब्वियसली आपको कहीं से इरिटेशन हो रही है, कहीं से चुभ रहा है वो कपड़ा, या फिर आपको वो पसंद ही नहीं है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे. लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि जब आप पुअर ड्रेस्ड होते हो, पुअरली ड्रेस्ड होते हो, तो आपको भी दिख जाता है कि हाँ मैंने मैचिंग कपड़े नहीं पहने या फिर मैं कुछ ज्यादा ही इनफॉर्मल हो गए. सो ये सब क्या है, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या कर देती है, डाउन कर देती है. इट अफेक्ट यूर सोशल बिहेवियर, कि इससे आपका सोशल
बिहेवियर भी अफेक्ट होगा। मीन्स आप इतना बात नहीं करोगे, आप ज्यादा सामने किसी के जाना पसंद नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप अटेंशन गेन नहीं करना पाओगे कि जैसे आप जाके स्टेज पे बोलना चाहो, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं वेल ड्रेस्ड नहीं हूँ या फिर मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। देन लास्ट इज अपीयरेंस, कि जो आखिरी हमारा ग्रूमिंग का पॉइंट है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि आप कैसे दिख रहे हो, जिसके अंदर ड्रेसिंग तो आती ही आती है, लेकिन अपीयरेंस सिर्फ ड्रेसिंग के ऊपर नहीं होता। अपीयरेंस उससे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ड्रेसिंग के साथ साथ नहीं, आपके हेयर्स, आपको आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, वो सब किसके अंदर आ जाता है, हमारे अपीयरेंस के अंदर आ जाता है। नो डाउट इट हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी के ऊपर अपीयरेंस का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जब भी कोई आपको देखता है, अगर आप भी किसी को देखते हो, किसी से बात करने से पहले सबसे पहले जो चीज होती है वो तो आपका फर्स्ट लुक ही होता है ना, कि सबसे पहले तो आप किसी को देखते हो और उसकी अपीयरेंस से ही आपके माइंड में क्या हो जाता है, एक इंप्रेशन बन जाता है। तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी को लोग कैसे जज करते हैं उससे अपीयरेंस का बहुत बड़ा पार्ट है। द वे यू लुक, यू अपीयर, डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी एंड अदर जजमेंट टुवार्ड्स यू, कि आप कैसे दिख रहे हो, आपकी अपीयरेंस कैसी है, वो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी और लोगों की जो जजमेंट होती है आपके टुवार्ड्स उसे अफेक्ट करता है। अट्रैक्टिव अपीयरेंस गेट फेवरेबल एटीट्यूड एंड वाइस वर्सा, कि अगर आपकी अपीयरेंस अट्रैक्टिव है तो उससे क्या होगा, फेवरेबल आपको रिजल्ट मिलेंगे आपकी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि अट्रैक्टिव है तो लोग आपके मीन्स ज़्यादा सोशल रहेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, सब आपसे बातें करेंगे, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड वाइस वर्सा का क्या है कि अगर आप अट्रैक्टिव अपीयरेंस आपकी नहीं है तो आप अनसोशल फील करोगे, इनकॉन्फिडेंट फील करोगे, या फिर इतना जल्दी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जजमेंट ऑफ अट्रैक्टिवनेस, कि अट्रैक्टिवनेस की जजमेंट कैसे होती है, इफ समवन लेबल यू आर दैट यू आर अट्रैक्टिव, इट हैव फेवरेबल एंड गुड इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी एंड वाइस ऑफ वर्सा, कि जब भी आपको कोई जज करता है कि आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है तो उसके फेवरेबल इम्पैक्ट रहते हैं, और जब आपको ये कहा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है तो उसके अनफेवरेबल इम्पैक्ट रहते हैं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। हर जो हमारी एज होती है उसके बेस पे अलग अलग क्या होते हैं, अपीयरेंस जो है वो अट्रैक्टिव होती है। जैसे अगर हम चाइल्ड को देखें, बच्चों को देखें, तो उनके लिए वो तब अट्रैक्टिव होते हैं जब उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट कर देता है कि हाँ आप सुंदर लग रहे हो, या फिर आज आप स्मार्ट लग रहे हो, तो इससे बच्चों को क्या लगता है कि हाँ भाई आज वो अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम यंग में देखें तो जब वो जो उनका ओपोजिट जेंडर है जब वो उसे अट्रैक्ट कर पाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हाँ उनकी जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे ही जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, जब आप मिडिल एज में होते हो, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उस टाइम क्या मतलब है, अगर आपको इजीली फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू में जॉब मिल जाती है तो आपको ये लगता है कि हाँ आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, इसलिए आपको इजीली जॉब मिल गई। तो हर एज में जो अट्रैक्टिवनेस है वो डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट वे से आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए अट्रैक्टिव दिखना ही होता है। अगर आपको जॉब इजीली मिल रही है, इसका मतलब आपको क्या लगता है, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है। सो ये सब क्या है, अट्रैक्टिवनेस पे डिपेंड करता है। डिससेटिस्फेक्शन विद अपीयरेंस, लेकिन अपीयरेंस से लोगों को डिससेटिस्फेक्शन भी होता है। और वो क्यों होता है, इट कैन बी हैपन व्हेन समबडी डिससेटिस्फाइड विद देयर बॉडी पार्ट्स, कि वो डिससेटिस्फाई है उनके बॉडी पार्ट से, सच एज नोज, कि उनका नाक कुछ ज्यादा ही बड़ा है या छोटा है, मोटा है। सो उनसे क्या है, वो डिससेटिस्फाई है कि भाई मेरा नाक अच्छा नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो उससे वो क्या होते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी, कंप्लीट पर्सनैलिटी से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं सिर्फ एक पार्ट की वजह से। टिथ, किसी के क्रूक्ड टिथ है, किसी का कोई दांत टूटा हुआ है, कोई टेढ़ा है, या फिर डिसकलर्ड है, उससे भी क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है। हेयर, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली ऐसा होता था कि कर्ली हेयर्स अच्छे नहीं समझते थे लोग, सोचते थे कि स्ट्रेट हेयर्स होने चाहिए, लेकिन अब तो कर्ली हेयर्स का भी ट्रेंड है। लेकिन हेयर्स के लिए भी मीन्स अगर उनकी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो उनका क्या माना जाता है कि वो लोग डिससेटिस्फाई फील करते हैं। आर्म्स एंड लेग, कि आप कुछ ज्यादा ही लीन हो, या फिर आपके बहुत ज्यादा पतले या मोटे हैं आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका फिजिक, सो उससे भी लोग डिससेटिस्फाई होते हैं। एंड देन स्किन, कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सच एज आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, जिस वजह से भी आपकी अपीयरेंस जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सो इन सब जो भी ये डिससेटिस्फेक्शन है, इनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, फर्स्ट इज सेलेक्ट क्लोज अकॉर्डिंग
टू योर बॉडी, कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर कपड़े पहनोगे तो चाहे आप मोटे हो या पतले हो, आप पे वो अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले जो भी आप पहन रहे हो वो आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कॉस्मेटिक फॉर फेशियल फीचर्स, कि फेशियल फीचर्स के लिए आपको कॉस्मेटिक का यूज़ करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर मेकअप का यूज़ करो, बट आपको थोड़ा बहुत मेकअप यूज़ करना चाहिए। क्रूक्ड टिथ कैन बी स्ट्रेट एंड ब्रोकन टिथ कैन बी रिप्लेस्ड, कि अब ऐसा हो मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर एडवांसमेंट आ चुकी है कि आपके जो टिथ हैं क्रूक्ड हैं उन्हें भी ठीक कर दिया जाता है, ब्रोकन है उन्हें रिप्लेस भी कर दिया जाता है। रिंकल्स कैन बी रिमूव्ड बाय फेस लिफ्टिंग, कि फेस लिफ्टिंग टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिंकल्स भी रिमूव हो सकती हैं। ट्रीटमेंट फॉर हेयर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, कि जैसा जैसे कलर के जैसे हेयर्स आपको चाहिए वैसे अब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वैसा कराने के लिए। सो ये सारी जो प्रॉब्लम है इनको हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्ट।